मॉर्निंग नाइन्थ क्लास मैथ्स क्लास है आज भी आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 30 ओके चैप्टर नंबर 30 एक्सरसाइज 13.1 हो गई थी, अब हम 13.2 करेंगे बेटा, ठीक है। 13.1 हो गई थी, 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सरसाइज है आपकी ये 13.2 द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सर्कुलर सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन इन योर नोटबुक बेटा, सर्कुलर सिलेंडर है ओके, ये सर्कुलर आपका सिलेंडर है, सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट इसकी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये हाइट है इसकी, ये हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये हाइट जो है इसकी है 14 सेंटीमीटर, इज 88 सेंटीमीटर, और 88 कर्व जो एरिया है वो कितना है इसका 88, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के बेस में नीचे यहाँ पर देखिए बेटा, सिलेंडर के जो बेस है उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो क्या डायमीटर होगा, सो राइट डाउन, राइट इट बेटा, राइट लाइक द रेडियस ऑफ द बेस, उसको हम रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज आर। अब ये जो बेस है इस बेस को हम क्या मान लेते हैं आर, रेडियस को हम आर मान लेते हैं, सो राइट डाउन लेट रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस को हम क्या मान लेते हैं आर सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ अ सिलेंडर कितना दे रखा है हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या होगा, इसमें हमने जो लगाना है 2πRh, ओके बेटा, हम क्या लगाएंगे 2πRh इज इक्वल टू 88, तो देखिए 2π की जगह हम करेंगे 2π7, आर हमारा है नहीं, हमें निकालना है हाइट है 40 और इस पूरा एरिया कितना दे रखा है 88, तो अब इसको काटिए बेटा जरा, देखिए क्या आएगा आपका आर इज इक्वल टू 88 × 7/22 × 1/40 × 1/2, दैट इज आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा बेटा, देखना काटना है इसको 7 × 40, इसको 2 से सारा काटते काटते ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो इसको आपने काटना है, काट कर 1 सेंटीमीटर बचेगा, ये रेडियस आया है, पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा इसका इस क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है, तो रेडियस का डायमीटर यहाँ आगे यहाँ पे करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को मैं आगे यहाँ कर रही हूँ, जरा यहाँ ध्यान करना है इसके बाद।
बेस ऑफ सिलेंडर डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर इज द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टू आर डायमीटर टू आर हो जाएगा उसका दुगना हो जाता है दैट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर राइट इट बेटा नीट एंड क्लीन फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है सेकेंड क्वेश्चन अब करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड बेटा सेम ही है इसमें आपने क्या निकालना है आर निकालना है फिर टोटल सरफेस पहले आर आपको निकालना है फिर टोटल सरफेस ऑफ द एरिया निकालना है चलिए इसको करिए फिर हम सेकंड क्वेश्चन का रिजल्ट से राइट इट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक बेटा ओके बेटा अब सेकंड क्वेश्चन ओके बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है इट इज अ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर एक हमने क्या बनाना है क्लोज सिलेंडर बनाना है टैंक बनाना है ठीक है एक टैंक बनाना है जिसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर 1 मीटर की तो उसकी हाइट है डायमीटर 140 सेंटीमीटर का है ठीक है फ्रॉम मेटल शीट का बनाई गई है हाउ मैनी सरफेस मीटर स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर इज रिक्वायर्ड टू फॉर द सेम वो चीज़ बनाने के लिए हमें कितनी शीट की ज़रूरत पड़ेगी हाइट बता दिया आपको डायमीटर बता दिया उसका कि इतना बेस डायमीटर है और इतनी हाइट का पूरी तो आपको वो बनाना है टैंक बनाना है तो क्या इसके से बनेगा देखिए एक ये शीट है ठीक है आपने क्या करना है इसका आपने बनाना है सिलेंडर सिलेंडर बनाना है ठीक है तो आपने इसकी हाइट वगैरह बता रखी है तो लिखिए क्वेश्चन लेट रेडियस रेडियस नहीं कह रहा लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर के बेस में रेडियस हम क्या मान लेंगे 8 सेंटीमीटर ठीक है डायमीटर कितना हो जाएगा इसका इसका डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 2r = 140 सेंटीमीटर तुम्हें डायमीटर दिया हुआ है ओके डायमीटर यहाँ पर आपको दे रखा है 140 तो रेडियस क्या हो जाएगा इससे रेडियस निकल जाएगा 140 by 2 = 70 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल गया यहाँ पे ठीक है 70 सेंटीमीटर इसको 2 से डिवाइड कर देना आपका 70 सेंटीमीटर रेडियस आ गया ओके और मीटर में निकालेंगे क्योंकि लेंथ मीटर में है तो मीटर में निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसको रेडियस को मीटर में चेंज करने के लिए 70/100 सेंटीमीटर दैट इज 0.7 मीटर ठीक है ये मीटर में आपके निकल गया रेडियस अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर ठीक है हाइट h 1 मीटर दे रखी है तो टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr r प्लस h, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 0.7, फिर r 0.7 प्लस 1, सॉल्व करोगे इसे तो आपका आ जाएगा 7.48 meters square. Write it. ये surface area इतनी sheet required होगी आपको। 7.48 meters square metal sheet is required to make the flow cylinder of the tank. Okay, write it in your notebook. You can clean it up. थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे, 2πr फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। इसमें आपको क्या दे रखा है, अ मेटल पीस ऑफ पीस इज 77 मीटर लॉन्ग, एक मेटल पीस है 77 मीटर लॉन्ग का। पहले आप इस क्वेश्चन को करिए, फिर बताती हूँ थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। 13.2 एक्सरसाइज है, राइट इट नीट एंड क्लीन। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब अपने बुक में थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ मेटल पीस ऑफ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर इज, दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर अंदर है और एक सिलेंडर बाहर है। जो बाहर वाला सिलेंडर है, इनर वाला सिलेंडर है, उसका डायमीटर 4 है, जो बाहर है उसका डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए वही 2πrh लगाओगे फॉर्मूले में, आपको r दे रखा है, ठीक है। r कितना है आपका, 4 दे रखा है ना, डायमीटर 4 दे रखा है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डायमीटर 2 हो जाएगा और 2πrh से उसका एरिया निकल जाएगा, फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा, निकाल लेना आप इसको, ठीक है। सेकेंड पार्ट, आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया में 4.4 है, 4.4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 हो जाएगा आर, और उसमें भी 2πrh से निकाल लेना एरिया। ओके बेटा, निकल जाएगा 2πrh, दोनों में ये फॉर्मूला लगेगा। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या कहेंगे आप, दोनों के एरिया को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। टोटल सरफेस एरिया में लास्ट में टोटल सरफेस एरिया जो थर्ड क्वेश्चन का निकलेगा बेटा, पहले क्वेश्चन में क्या करोगे, जो ये थर्ड क्वेश्चन है, दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर ऊपर है एक उसके अंदर है, बाहर वाले सिलेंडर का जो डायमीटर है 4.4 है, बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर कितना है 4.4, और उससे फिर क्या करोगे आप, उसको आर निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देना, तो आर आ जाएगा, और 2πrh लगा के दोनों में, बाहर वाले में और अंदर वाले में, कौन सा फार्मूला लगाना है, 2πrh, ये फार्मूला लगाकर एरिया निकाल देना, फर्स्ट का एरिया, देन सेकंड का एरिया, फिर इन दोनों एरिया को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आपने थर्ड क्वेश्चन अपनी आप ट्राई करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कल देखो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है जिसका डायमीटर है 8.4 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ जो है उस रोलर की 120 सेंटीमीटर है। इट टेक्स 500 complete revolution to move
वंस ओवर अ लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, और उसको पूरे प्लेग्राउंड में घूमने के लिए कितने कंप्लीट रोल्स करने पड़ते हैं, घूमना पड़ता है 500 चक्कर काटने पड़ रहे हैं उस गोले के। तो आपने क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर्स, प्लेग्राउंड का पूरा एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन को कर देते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर डायमीटर ऑफ रोलर कितना है, ये डायमीटर रोलर का 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है, ये देखिए एक ये रोलर है, ठीक है, इसका 42 और ये कितना है पूरी इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ रोलर निकालिए, डायमीटर हो गया इसका, रेडियस के लिए क्या करेंगे आप, रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस निकालने के लिए इसे क्या करते हैं बेटा, हम उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 42 सेंटीमीटर डायमीटर रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ रोलर, और लेंथ ऑफ रोलर
ठीक है, ये इसका आंसर है, इसमें रेगुलेशन ये काटेगा, इतना एरिया होगा उसका, फिर 500 रेगुलेशन अगर वो काटता है, 500 चक्कर काटता है तो उसका ये होगा। आप सिक्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सिक्स भी करेंगे, 8, 9, 10 ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस एक्सरसाइज को भी आप कंप्लीट कर लेंगे, आप करिए इसको नीट एंड क्लीन। हो गया बेटा सबका, इसको नीट एंड क्लीन, आप पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से कीजिए अपनी नोटबुक में, राइट इट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक, ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना।